आप सुन भी रहेंगे और कुंवारों को देख भी रहेंगे, वाह ऐसा लग रहा है, बस देखते ही रहें देखते ही रहें। और म्यूजिक के साथ कुंवारे का प्लेयर देख रहे हैं, वाह। चलिए भी बाहर चलते हैं क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, उमस के साथ गर्मी लग रही है तो सही नहीं जा रही। अब थोड़ा सा खाना वाना खा लेते हैं और शाम भी हो गई है तो चलते हैं। लोगों की चहल पहल है यहाँ पे, तो ये टाइम हो गया है लोगों का आने का और मतलब एंजॉय करने का। चलिए मिलती हूँ बाहर। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। आज मैं सीपी के हल्दीराम में बैठी हूँ और मैं यहाँ आई थी और मैंने थोड़ा सा थक गई हूँ तो भूख भी लगी है। ये फ्राइड राइस मेरे फेवरेट हैं, ये मंगवाए मैंने ऑर्डर देके। भूख भी लगी है और टेस्टी भी बहुत है भाई। इसके साथ ये चटनी है और ये सॉस है, तो इनका कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लग रहा है और ये फ्राइड राइस भी बहुत टेस्टी बने हुए हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। आज बारिश हो रही थी, कोई नहीं, कहते ना जब कोई चीज करनी होती है तो ना मौसम देखे ना कुछ देखे और अपना काम करिए, तो वो मेरी हैबिट है। आठ बज चुके हैं अब ना, तो खाने का टाइम है, भूख भी लग रही थी। और मैं जब सीपी में आती तो हल्दीराम में ही खाती हूँ ज्यादातर। आज भीड़ कम है, यहाँ पर लोग कम हैं, हो सकता हूँ तो बारिश का मौसम है, गर्मी भी ज़्यादा है इसलिए लोग कम आते हैं यहाँ पे। इस मौसम में घर से बाहर कम ही निकलते हैं क्योंकि बाहर काफ़ी भीड़ है। और मैंने जो जो चटनी है बहुत टेस्टी है, जैसे घर की बनी होती है ना, हाथ से पिसी हुई ऐसी है। Thank you.
गई है फिनिश। और भाई रात हो गई है, मैं घर जाते हुए मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए मुझे थोड़ा चलना पड़ेगा, थोड़ी सी दूर है। यहाँ मैंने डिनर कर लिया है और अब मैं तो घर जाके कुछ नहीं खाना, मैं थोड़ा सा घूमने अभी जाऊंगी। तो रात के टाइम में यहाँ घूमना और भी अच्छा लगता है और मैं घूम रही हूँ यहाँ पर। अरे इसको तो पता नहीं अच्छी होगी। समझ नहीं आता लोग गाली देके क्यों बोलते हैं, क्या होता है, क्या जिसको गाली दे रहे उसको लग जाती है? नहीं, बल्कि जो आप खुद दे रहे हो उसको गाली, उसका मुंह मतलब मुंह में क्या है ये पता चलता है, मतलब उसको कितनी समझ है ये पता चलता है। तो बात बात पे खासकर लड़के लोग गालियां देते हैं तो बहुत अजीब लगता है, गाली दे के बात करना या गाली से बात करना, किसी किसी को मजा आता है इन चीजों में, पर ऐसा नहीं है। एक तहजीब होनी चाहिए बात करने की भी और हर चीज की। आसमां के नीचे सामने मेट्रो स्टेशन और यहाँ की चकाचौंध देखिए, आप मैं दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ रात में। थोड़ा सा मैं फिर उधर की साइड ही चलना चाहूँगी जहाँ पे थोड़ा उजाला है और वहाँ और भी पास पड़ेगा। मामी गए? मजेब तो बना रखी है, चप्पल ही बना रखी है, ये नाइस की मम्मी। अच्छा नहीं लगता चप्पल पहनना है बेटा, अच्छा नहीं लगता चप्पल पहनना है, टूट गया है तो ये पजेब कैसी है, चांदी की है, ऐसी पजेब पहनना अच्छा लगता है? मम्मी से कहना चप्पल दिलवाए, अगर चप्पल के घूमोगे ना बीमारी हो जाती है बेटा, ठीक है? चप्पल दिला दो। हाँ इसीलिए तो घूम रही है, मैं पता चलना चाहिए चप्पल दिलवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, पर वही है ना किसी इसको आदत होती है। और मेट्रो स्टेशन आ गया है करीब करीब, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे हूँ। तो यहाँ मैंने फलूदा लिया है, फेमस फलूदा है, देखिए ये है। तो थोड़ा मीठा खाने के लिए दिल कर रहा था इसलिए मैंने फलूदा ले लिया, अभी खाना खाया था तो उसके ऊपर थोड़ा सा मीठा। और फलूदा को देख के तो मतलब मैं रोक ही नहीं पाती हूँ, फलूदा भी मेरा फेवरेट है और अब मैं फलूदा लेके खा रही हूँ।